हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूड डायरी 16। पिक देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज कौन सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि यह रेसिपी बहुत सिंपल है और आप रेसिपी देखने के बाद सोचेंगे कि आपने ये पहले क्यों नहीं बनाई। अब जितनी सिंपल ये रेसिपी है, इसके इन्ग्रीडियंट्स याद रखना भी उतने ही सिंपल है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्ग्रीडियंट्स और उनकी क्वान्टिटी बता दूँगा। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट, बटर, शुगर और एग इक्वल क्वांटिटी में, और मैदा उसका 1/4। इफ यू आर अ चॉकलेट लवर, फिर तो ये डिश एक मस्ट ट्राई है। चलिए देखते हैं कि चॉकलेट कैसे पिघलाई जाए। एक छोटे से पैन में पानी लीजिए और उसके ऊपर एक बोल रखिए। ध्यान रहे नीचे वाले पैन का पानी बोल को टच ना करे। अगर नीचे वाले पैन से पानी बोल को टच करेगा, हो जाएगी आपकी चॉकलेट ख़राब। अब बोल में डालना है इक्वल अमाउंट ऑफ बटर और चॉकलेट। मैंने यहाँ पे डाला है 60 ग्राम, जिससे बनते हैं 2 चॉकोलावा केक। इस पूरे प्रोसेस में फ्लेम लो रखना है। लो मतलब लोएस्ट, पानी सिर्फ सिमर होना चाहिए, बॉयल नहीं आना चाहिए। 2 और ज़रूरी बातें कि बोल में पानी ना जाए और कचड़ा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ आप बनाना तो चाहोगे चॉकोलावा केक लेकिन चॉकलेट बन जाएगा पत्थर। अब हमारा चॉकलेट और बटर का मिक्सचर हो गया है तैयार। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये जो चॉकलेट को गर्म पानी के ऊपर मेल्ट करने का प्रोसेस है, इसको डबल बॉयलर बोलते हैं या बैन मरी। अब मैं थोड़ा सा मोल्टिन चॉकलेट मिक्सचर के साथ खेल रहा हूँ, इसमें बड़ा मज़ा आता है। जब बनाओ ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना मज़ा आया कि नहीं। इसको हम बनाते हैं रैमकिन में। रैमकिन के बेस और साइड्स में एक इवन कोटिंग बटर की लगा लीजिए। जब एक बार अच्छे से कोटिंग लग जाए तो इसको आपको फ्रिज में रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि बटर थोड़ी जम जाए। और यही चीज आपको अपने बाकी रैमकिन के साथ भी करनी है। अब अगर आपके पास रैमकिन नहीं है तो इसको आप कटोरी में भी बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कटोरी ऐसी हो जिसका बेस छोटा हो और मुंह बड़ा। इससे चॉकोलावा केक को निकालने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसे कपकेक मोल्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग टाइम कम हो जाएगी क्योंकि अब क्वांटिटी कपकेक मोल्ड में कम आती है और आपको सेंटर मोल्डन रखने के लिए 6-8 मिनट तक पकाना होगा। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो एक टाइम पे एक पकाएं और जब आपको टाइमिंग समझ आ जाए उसके बाद आप पूरा बैच पका सकते हैं। अब रैमकिन में डालिए कोको पाउडर, लगभग 1 चम्मच लगता है, और उसके बाद कोको पाउडर की ईवन कोटिंग लगानी है बटर के ऊपर। बिकॉज बटर जमा हुआ है तो बटर कोको पाउडर को सोक नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यही प्रोसेस रिपीट करके आपको अपने सारे रैमकिन कटोरी तैयार कर लेने हैं। मैंने 2 रैमकिन रखे हैं तो मैंने उन दोनों को तैयार किया और ये हो गए हमारे रैमकिन तैयार। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब जब चॉकलेट और बटर का मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसमें मिलाएंगे 1 एग। गरम में मत मिलाना, चॉकलेट भुर्जी बन जाएगी। फिर बोलोगे चॉकलेट लावा केक बनाना था और चॉकलेट भुर्जी बना ली। और अब जब एग अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें डालेंगे हम 1 और एग योक। और एग योक डालने के बाद भी इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स, ताकि येलो पार्ट ना दिखाई दे और अच्छे से इवन मिक्सचर मिले। अब इसके बाद इसमें मिलाते हैं पाउडर्ड शुगर। कैस्टर शुगर है तो वो यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो शुगर को पाउडर करो और यूज़ कर लो। अब शुगर डालने के बाद इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिक्स करते टाइम बोल के साइड्स को स्क्रेप कर लें, ताकि वहाँ पर जो शुगर लगी हो वो मिक्सचर में आ जाए। अब जब शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हमें डालना है मैदा, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। मैदा इसमें इतना कम इसलिए लगता है क्योंकि हमें तो चॉकोलावा केक खाना है ना, मैदा लावा केक थोड़ा ना खाना है। अब मैदा मिला के कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बोल को स्क्रेप कर लेना, साइड में जो मैदा लगा हुआ है वो मिक्सचर में आ जाए। अब जब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है, देखते हैं इसको रैमकिन में कैसे डाला जाए। तो रैमकिन लीजिए और उसमें 2/3 तक भरिए इस मिक्सचर को, ज़्यादा ना भरिए, फूल के बाहर आ जाएगा। और ये मैंने भर लिया अपना दूसरा रैमकिन भी, वही 2/3। रैमकिन भरने के बाद क्या करना है,
कि एक टॉवल लीजिए, उसको फोल्ड करिए और उस पर रैमेकन टैप करिए, सो दैट जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अगर एयर बबल्स रह गए तो केक में मज़ा नहीं आता है। आपके केक में एयर बबल्स रह गए, आपने किसी को खिलाया तो बोले गए, बोला था चॉकोलावा खिलाएगा, खिला दिया एयर बबल्स, अच्छा तो ना लगता है। अब जब रैमेकिन तैयार हो गए हैं, ये जाएंगे प्री हीटेड ओवन में 12 मिनट के लिए 230 डिग्री पर। ओवन में रैमेकिन को सेंटर ब्रैक में रखें और अगर कन्वेक्शन ओवन है तो फैन ज़रूर ऑन करें। अब क्योंकि हर ओवन की हीटिंग अलग अलग होती है तो 12 मिनट की जगह 13 मिनट भी लग सकते हैं। और ये हो गए आपके चॉकोलावा केक तैयार। खाने से पहले 3 से 4 मिनट ज़रूर वेट करें। और अगर आपसे सब्र ना हो तो रैमेकिन के ऊपर पाउडर्ड शुगर या डेसिकेटेड कोकोनट डालो और रैमेकिन में ही खा सकते हैं। और अगर आप वेट करना चाहें तो 10 मिनट वेट करें, उसके बाद एक नाइफ लें, रैमेकिन के एजेस के चारों तरफ घुमाएं ताकि केक रैमेकिन से अलग हो जाए, और उसके बाद एक प्लेट पे उसको निकाल लीजिए। ध्यान रखिए रैमेकिन गर्म होते हैं तो एक कपड़ा या ग्लव्स हेल्प करेगा। और ये हो गया आपका चॉकोलावा केक डीमोल्ड। अब करना क्या है, ऊपर थोड़ी पाउडर्ड शुगर डालिए या जैसे मैंने किया डेसिकेटेड कोकोनट, एक चेरी और बस। अब बस खाने की देरी है। चम्मच से जैसे ही लावा केक को कट करोगे अंदर से मोल्टन चॉकलेट बहने लगेगा और यही तो इसका मज़ा है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी कुछ इजी रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।